रेलवे पुलिस बल ने भुज बरेली एक्सप्रेस रेलगाड़ी से एक लावारिस बैग से 14 बोतलें अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस के अनुसार बैग मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। संव्यक्ता उक्त शराब अहमदाबाद ले जाई जा रही है। आरपीएफ थाना प्रभारी सावित्री सैनी ने बताया कि गुरुवार रात को अजमेर से चलकर भुज बरेली एक्सप्रेस रेलगाड़ी अमरपुरा पहुंची थी। इस दौरान रेलगाड़ी में तैनात हेड कांस्टेबल गजानंद, श्रीधर सिंह, शिवध्वज तथा पूरनमल आदि गाड़ी की रूटीन चेक कर रहे थे। इस दौरान स्टाफ सदस्यों को एस नो कोच में एक लावारिस बैग मिला। आसपास बैठे लोगों से बैग के बारे में पूछताछ की तो किसी ने भी बैग अपना होने की जानकारी नहीं दी। इस पर स्टाफ सदस्य बैग को लेकर थाने पहुंचे, जहां पर बैग की चेकिंग की गई तो उसमें 7 बोतल मैकडोवल विस्की, 7 बोतल रॉयल चैलेंज तथा एक हाफ मिला। आरपीएफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब्त शुदा शराब की बोतलें आबकारी विभाग को सुपुर्द करते हुए अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कार्रवाई में एएसआई रणवीर तथा राजवीर आदि शामिल रहे। गाड़ी संख्या 14311 बरेली भुज, जिसमें है मेरी स्कॉट पार्टी जाती है, जिसमें हेड कांस्टेबल शिवदत्त सिंह, हेड कांस्टेबल पूरमल सिंह और कांस्टेबल रजन जो पूर्व में ही तैनात थे, जिनकी ड्यूटी अजमेर से आबरूर तक के बीच में थी। वन निरीक्षक द्वारा गाड़ी में ओवाईटी जो मुझे नामित की गई, उस गाड़ी को ब्यावर से मारवाड़ के लिए लेकर रवाना हुई। तो उक्त स्टाफ के साथ मैंने गाड़ी को चेक किया अमरपुरा और ब्यावर के मध्य। उसमें एक लावारिस बैग S9 कोच में मिलने पर आसपास के यात्रियों से पूछताछ की, यात्रियों ने अपना नहीं होना बताया। बाद उक्त स्टाफ द्वारा बैग को चेक कराया गया। बैग चेक कराने पर उसमें कुछ शराब की बोतल दिखाई पाई गई, जिसको हम पोस्ट पर लेके आए। पोस्ट पर लेने के बाद उसको चेक करने पर उसमें अपने 14 बोतल और प्लस एक हाफ पाई गई, जो भी व्यक्ति था उसको इसको सप्लाई करने के लिए अपने गुजरात लेके जा रहा था, परंतु सतर्कता रहते हुए स्टाफ के द्वारा उसको पकड़ लिया गया, जब्त कर लिया गया, जिसको आपका विभाग सुपुर्द किया जा रहा है।